Clash of Clans. हाँ भैया, तो गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है, टाउनल 14 का सीजन चालू होने वाला है एंड क्लैन वॉर लीग खत्म होने वाली है, आम का सीजन चालू हो चुका है एंड उसी के साथ मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये मेरे साथ ही प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप सभी लोगों के साथ हो रही है, क्योंकि अब तक मैंने जितने लोगों को पूछा है ना, ये सभी लोगों को प्रॉब्लम हो रही है भाई साहब। गर्मियों के सीजन में भूख, मतलब खाना खाया ही नहीं जाता यार, इसका क्या रीज़न है आपको पता है? एक बार मेरे को बताओ तो सही यार, और क्या खाना चाहिए भाई साहब गर्मियों के सीजन में? खाना खाया ही नहीं जाता, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, मतलब इतनी गर्मी पड़ रही है और ऊपर से खाना ही खाया नहीं जाता। मेरे को कब से ये चीज़ दिमाग में खाई जा रही है, समझ बिल्कुल नहीं आ रहा मेरे को कि क्या हो रहा है, क्यों खाना खाया नहीं जा रहा भाई साहब। मैंने मोगी भाई से पूछा, हमारे डिस्कॉर्ड पे जितने सारे बंदे रहते हैं हमारे लोगों की स्ट्रीम के ऊपर, उनसे पूछा, किसी को मतलब सबके साथ यही दिक्कत हो रही है भाई साहब, गर्मी में खाना ही नहीं खाया जा रहा। आप बताओ यार क्या प्रॉब्लम हो गई है, ज़रा एक बार कमेंट करके बताओ ताकि मेरे को पता चले कि हाँ ये रीज़न हो सकता है करके। छोड़ो गाइस ये सारी चीज़ें, अभी मैं फिलहाल खाना खा के ही वीडियो बनाने के लिए बैठा हूँ एंड उसी के साथ यार आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। संडे 11 तारीख शाम के 6 बजे, आने वाले संडे 11 तारीख शाम के 6 बजे हम लोग लोगों के ऊपर 100 गोल्ड पास का गिव अवे करने वाले हैं एंड वैसे भी हम लोगों के ऊपर रोज डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं मैं और मोगी भाई, तो बिल्कुल आप लोग वहां पे ज्वाइन कर सकते हो एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आपको 100 गोल्ड पास मिले तो बिल्कुल आप लोगों के ऊपर हमको फॉलो कर सकते हो। ये रही मेरी लोगों की आईडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप लोग मुझे लोगों के ऊपर फॉलो कर सकते हो एंड हम लोग वहां पे रोज क्लैश ऑफ क्लैंस की लाइव स्ट्रीम करते हैं एंड आप लोगों से बातें भी करते हैं, तो भाई साहब ये सबसे अच्छी बात है लोगों की, तो बिल्कुल लोगों के ऊपर आ जाना सभी लोग ताकि हम लोग डाउनलोड 14 के रिलेटेड डिस्कशन कर सकें, नए नए मैं बेसिस गिव अवे कर सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं, आप लोग गोल्ड पास दे सकूं, आप लोग क्वेरी सॉल्व कर सकूं, तो बिल्कुल आ जाना लोगों के ऊपर। फिलहाल गाइस देखो टाउनल 14 आ चुका, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे गेम के अंदर जिनके अंदर का कीड़ा अभी तक गया नहीं है, अभी भी रश करने में लगे भाई। फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे क्लैन में तो ये एक हमारी चाइनीज नहीं है, कोरियन होगी, नहीं चाइनीज टीम है। ओके तो गाइस यहाँ पे देख लो 17 नंबर 17 पे मैं भी हूँ और मेरे सामने देखो टाउनल 13 का बेस आ चुका। भाई साहब अगर हम लोग इसका बेस देखेंगे तो भाई साहब क्या बोलू मैं इस बंदे को, इसके डिफेंसेस अगर हम लोग देखेंगे, ये टाउन हॉल 8 के डिफेंसेस भाई साहब, लिटरली टाउन हॉल 8 के डिफेंसेस, टाउन हॉल 13 करके रखा इस बंदे ने एंड अगर हम लोग बीच में देखेंगे तो ये इन्फिर्नो मैक्स है, ईगल मैक्स है, दोनों के दोनों स्कैटर भी मैक्स है, इसके सीसी भी मैक्स है, रॉयल चैंपियन भी भाई साहब ने लगा के रखी है, तो इस बेस को हम लोग फोड़ना पड़ेगा टाउन हॉल 11 से। चलो गाइज अभी हम लोग इसके ऊपर प्लान करेंगे, मैं स्टार्टिंग में आप लोग प्लान समझा दूंगा कि करना क्या है हम लोग इस बेस के ऊपर। ओके गाइज तो ये रहा बेस, हम लोग क्या करेंगे स्टार्टिंग में लावा वावा नहीं डालेंगे, डायरेक्ट ब्लिम घुसा देंगे, डायरेक्ट ब्लिम जाएगी भाई साहब, डायरेक्ट ब्लिम कुछ नहीं डालेंगे हम लोग, डायरेक्ट ब्लिम यहाँ पे डालेंगे हम लोग। उसके बाद ईगल लेना पड़ेगा यार, आई थिंक यहाँ से भी डाल सकते हैं हम लोग ब्लिम, यहाँ से ऐसे जा सकती है ब्लिम, नहीं लेकिन ईगल को हम लोग इग्नोर करेंगे, ईगल शायद मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट ब्लिम डालेंगे, यहाँ पे इनविजिबिलिटी स्पेल वगैरह डाल के ये पूरा कोर खाली करने की कोशिश रही है हमारी एंड जैसे सीसी बाहर आती है हम लोग यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल के आइस गोलम किंग एंड क्वीन अंदर एंड यहाँ से ये पूरा सेक्शन टेक डाउन कर लेंगे एंड उसके बाद जो भी सेक्शन बचेगा ऊपर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा गाइज लावा लून, यहाँ से भी लावा लून स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सिंपल सा प्लान है गाइज हमारा टाउन हॉल 11 से 13 के ऊपर, देखते हैं गाइज अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस बेस के ऊपर। ओके गाइज तो नंबर 17 के ऊपर प्लान तो मैंने आप लोग बता दिया है क्या क्या करना है, 20 हम लोगों ने यहाँ पे बलून्स लिए हैं, ठीक है तो 20 बलून्स में काम बन जाना चाहिए। ओके गाइज 1 2 3 लेट्स गो, देखते भाई साहब अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस बेस के ऊपर, ठीक है तो स्टार्टिंग में गाइज एक बलून तो डाल ही देता हूँ, ब्लिम डायरेक्ट डाल दिया हम लोगों ने। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई नाइस, देखते क्या होता है, ओपी टीएच डाउन नाइस, मल्टी डाउन हो जा ओपी, यार एक ही सुपर विजर्ड बचा हुआ है, सही है। ओके गाइस एटलीस्ट हम लोगों को चीजें मिल चुकी हैं, यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर आएगा, ये आएगा नाइस गाइस, मजा आ रहा है ओपी, यहाँ पे एक और आइस गोलम, यहाँ पे पॉइजन स्पेल आएगा क्वीन के ऊपर एंड सब के ऊपर, यहाँ पे एक ही बलून डालेंगे हम लोग, यार ईगल शायद यहाँ से मिलना थोड़ा सा पॉसिबल है नहीं, देखते यार फिर भी देखते हम लोग क्या क्या और कितना कितना कुछ कुछ क्या क्या कर सकते हैं। चलो हम लोगों ने पूरा कोर तो खाली कर दिया है, दोनों स्कैटर मिल गए, टाउन हॉल मिल गया, ईगल नहीं मिल पाया भाई साहब,
इन्फिर्नोस भी मिल गए दोनों के दोनों मल्टी, एंड सीसी भी हम लोगों ने टेक डाउन कर ली यहाँ से। चलो भाई सही है, यहाँ पे एक विजर्ड डाल देता हूँ मैं। यार यहाँ पे एक्चुअली ना मुझे एक और सुपर वॉल ब्रेकर लेना चाहिए था, शायद ईगल मिल सकता था, अगर लेता तो शायद मिल भी सकता था, कोई दिक्कत ना है। हम लोग देखते कितना क्या क्या परसेंट कलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। ओके गाइस नाइस, तो यहाँ पे मैं बलून्स वगैरह डालना स्टार्ट कर दे रहा, यहाँ पे लावा, यहाँ पे कुछ बलून्स ऐसे डाल देता हूँ। ओके यहाँ पे एक हेस्ट आएगा, यहाँ पे एक फ्रीज बुढ़ा आएगा, यहाँ पे मिनियंस, यहाँ पे एक और फ्रीज हेस्ट आएगा, यहाँ पे एक और, यहाँ पे लावा, दो बलून्स, दो बलून्स, पीछे से मिनियंस आएंगे बहुत सारे। बुढ़े की एबिलिटी बची हुई है अभी भी, यहाँ पे एक हेस्ट एंड बुढ़े की एबिलिटी मारनी पड़ेगी। यार दिक्कत हो जाएगी शायद यहाँ पे। ये देखो यार रॉयल चैंपियन है ना यार, रॉयल चैंपियन मारने का काम कर रही है भाई साहब, लेवल 10 की रॉयल चैंपियन है। लावा हॉर्न्स दो अभी भी जिंदा है हमारे पास। रॉयल चैंपियन यार पूरा काम खराब कर रही है भाई साहब, पूरा काम खराब कर देगी रॉयल चैंपियन। ओके गाइस देखते हैं क्या हम लोग थ्री स्टार कर, मुझे नहीं लगता थ्री स्टार कर पाएंगे यार, हेड हंटर है ही नहीं टाउन 11 पे। यार एटलीस्ट लेवल 1 का हेड हंटर होना चाहिए था टाउन हॉल 11 के ऊपर, मजा आ जाता भाई साहब। पर कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारा मतलब फेल ही हो चुका है, प्रॉपर फेल तो नहीं बोल सकते, टाइम फेल इसको बोलेंगे, क्योंकि इतने सारे हमारे पास लावा पप्स एंड बलून्स है ना कि ये आराम से टेक डाउन कर सकते रॉयल चैंपियन को, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हम लोगों ने ये वाला जो अटैक है ये फेल कर दिया, टाइम फेल हो चुका है हमारा अटैक। लेकिन ऐसे बेसिस खत्म नहीं हुए भाई साहब इस वॉर के अंदर, CWL के अंदर ऐसे बेसिस खत्म नहीं हुए, अभी भी बहुत सारे बेसिस है। टाउन हॉल 14 आने वाला है और ये लोग अभी भी रश करने में लगे हैं, तो भाई साहब चलो एक और बंदे की लेते हैं। लेकिन अभी वापस हम लोग टाउन हॉल 12 से करेंगे 13 के ऊपर, 11 से 13 कर लिया और एक बाप रे एक आर्चर कम पड़ गया, एक आर्चर यहाँ पे ले लेते हैं। तो भाई साहब ये रही हमारी आर्मी, इसी आर्मी के साथ हम लोग अटैक करने वाले हैं वॉर के अंदर, एंड ये है शायद हमारा बेस नंबर 10 का। भाई साहब ये देख लो, अगर हम लोग इस बंदे का बेस देखेंगे तो ये एक फुल्ली मैक्स्ड आउट टाउन हॉल 12 का बेस है, न्यू टाउन हॉल 13 है। आई थिंक इसको भी पता है कि टाउन हॉल 14 आने वाला है और हमको जाना चाहिए नेक्स्ट टाउन पे, तो ये बंदा टाउन हॉल 13 के ऊपर आ चुका है, टू स्टार टाउन हॉल 13 हो चुका है। न्यू न्यू स्कैटर शॉट्स हम लोगों को नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ईगल वगैरह है, क्वीन इसकी टाउन हॉल 12 से ज्यादा लेवल की है, रॉयल चैंपियन लेवल 8 की हो चुकी है। लेकिन अभी हम लोग करेंगे गाइज इसी बेस के ऊपर अटैक, ठीक है, ईगल साइड से अटैक करेंगे, यहाँ पे ब्लिम फोड़ेंगे जिससे कि हम लोगों को ये स्कैटर ये वाला पूरा कंपार्टमेंट मिल जाए हम लोगों को, एंड उसके बाद हम लोग करेंगे साफ सफाई जहाँ पे भी ज़रूरत होगी हीरोज़ की वहाँ पे डाल देंगे। प्लान तो यार सिंपल है, देखो सिंपल सा प्लान है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है नहीं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे जाएंगे हमारे, रुको, लावा के साथ, उसके बाद यहाँ पे ब्लिम आएगी हमारी भाई साहब। ओके नाइस, देखो लावा इसीलिए डालना होता है भाई साहब। ओके कम ऑन, टेक दैट टाउन हॉल, टेक दैट टाउन हॉल एंड स्कैटर। ओपी गाइज, मजा आ गया गाइज, जो जो वैल्यू चाहिए थी गाइज वो वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है गाइज। तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करेंगे अटैक हमारा यहाँ से, यहाँ पे ये डाल देंगे नाइस, यहाँ पे एक वॉल ब्रेकर वो भी गलत चला जा चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, लेट्स होप कि हमारी क्वीन यहाँ से निकाल ले चीज। अरे यार नहीं निकाल पाएगी यार, मुश्किल पड़ जाएगा यहाँ पे, ना 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 निकाल पाएगी क्या एयर डिफेंस, नहीं भी निकाली तो होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेती है तो अच्छा है। 1 2 3 ओपी ओपी गाइज, मजा आ गया। ये सही है गाइज, यहाँ पे डालनी पड़ेगी हम लोगों को एक हेस्ट, पीछे से ये आएंगे, यहाँ पे कुछ बलून्स और, यहाँ पे हेड हंटर्स वगैरह डालनी पड़ेंगी, यहाँ पे बुड्ढे की एबिलिटी, यहाँ पे क्वीन के ऊपर पॉइजन, यहाँ पे कुछ बलून्स और, यहाँ पे एक और हेस डालनी पड़ेगी, यहाँ पे एक फ्रीज यूज़ करनी पड़ेगी क्वीन के ऊपर,
सही है। यहाँ पे एक और हेस्ट स्पेल यूज़ करनी पड़ेगी। चलो क्वीन डाउन हो चुकी है, यहाँ पे दो बलून्स विजर टावर के ऊपर, विजर टावर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एंड 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 एक फ्रीज आएगी भाई साहब यहाँ पे, ताकि विजर टावर ज़्यादा डैमेज ना करे। तो भाई साहब ये हो चुका है हमारा 3-star अटैक टाउन हॉल 12-13 के ऊपर। न्यू टाउन हॉल 13 था, ये हो चुका है 3-star। एंड इस बार हम लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं करी एंड ना ही कोई टाइम फेल है। यहाँ पे बलून्स बचे हैं भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये भी टाइम फेल या फिर फेल ना हो जाए, खत्म है, ये नहीं हो पाएगा फेल, ये नहीं हो पाएगा। पीछे से क्लीन अप एकदम दबा के, ओपी लेवल का क्लीन अप आ रहा है पीछे से। एंड बलून्स ने टेक डाउन कर लिया यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, मजा आ गया, जो भी हुआ मजा आ गया। ये हो चुका है गाइस हमारा 3-star अटैक ब्लिजर्ड लावलून के साथ। लिटरली हम लोगों ने आज दो अटैक्स करे ब्लिजर्ड लावलून के साथ, जिसमें से रिजल्ट अच्छा है, एक 98 टाइम फेल, दूसरा ट्रिपल। तो गाइस ये हो चुका है गाइस हमारा 3-star अटैक। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे टाउन हॉल 13 के ऊपर, न्यू टाउन हॉल 13। डेढ़ घंटा बचा 2-star टाउन हॉल 13 होने के लिए। यहां से भी अटैक करेंगे एंड यहां से डायरेक्ट हम लोग अटैक करने वाले नंबर 4 के ऊपर सेम आर्मी के साथ, ब्लिजर्ड लावलून। बड़ी पावरफुल आर्मी है एंड ये एक फुल्ली मैक्सड आउट बेस लग रहा है, राइट, फुल्ली मैक्सड आउट बेस है, राइट। तो भाई साहब यहाँ पे देखो भाई साहब, अटैक तो करना पड़ेगा, कहाँ से करें, यहाँ से करेंगे इस साइड से। तो इसको फ्रीज भी करना पड़ेगा हमको, एयर स्वीपर को एक बार फ्रीज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग टाउन हॉल वाउन हॉल सारी ये चीज़ें टेक डाउन कर सकें। चलो गाइस देख लेते हैं अटैक करके क्या होता है। थोड़ा मैक्स्ड क्या, फुल्ली मैक्सड आउट है भाई, पूरा का पूरा मैक्सड आउट टाउन हॉल 13 का बेस है ये। तो मैं फिलहाल यहाँ पे दो बलून्स डालूंगा, यहाँ पे एक फ्रीज, नाइस, ओके। देखते गाइस हम लोग क्या, अरे भाई साहब उड़ गया, एक उड़ गया हमारा, चलो ठीक है यार, अच्छी खासी वैल्यू तो हम लोग यहाँ से मिल चुकी है, उतनी भी नहीं मिली है पर ठीक है। अरे भैया जी, सीन हो गया, गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया गाइस। हम लोग आइस गोलम डाल के वॉल ब्रेकर डालना था यार, पर अभी ना ये स्कैटर मिलने में थोड़ी दिक्कत होगी हमको, पता है, मिल जाएगा स्कैटर, कोई बड़ी बात नहीं है, आरसी है तो स्कैटर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार हमने तो सीसी ल्यूर करा ही नहीं है भाई साहब, ये बड़ी दिक्कत करने वाली है अभी हमको, सीसी तो हमने ल्यूर करी ही नहीं है, तो ये चीज़ बहुत दिक्कत देने का काम कर सकती है। चलो स्कैटर डाउन, किंग की एबिलिटी मार देंगे अर्ली वाली, नाइस, वैल्यू अच्छी खासी मिल रही है अभी भी हम लोगों को। ओपी रॉयल चैंपियन ईगल अगर निकाल लेती है तो भाई साहब क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, नाइस बोलते। एंड अगर क्वीन यहाँ से निकाल लेती है एनिमी की क्वीन को तो मज़ा आ जाएगा भाई साहब, मज़ा आ गया। एंड वाह बेटे वाह, मौज कर दी। तो गाइस हम लोग इसको कहाँ पे बुलाएंगे, अरे यार सीसी ल्यूर हो चुकी है ना यार, सीसी एक बहुत ज़्यादा दिक्कत देने का काम करने वाली है यार, टाइम भी कम है गाइस, टाइम भी कम है, तो मैं यहाँ पे बुला लेता हूँ सीसी के ट्रुप्स को, टाइम कम है यार, हद है भाई। भाई साहब टाइम फेल होने वाला है गाइस, टाइम फेल है गाइस ये, टाइम फेल होने वाला है, आई नो। मुझे पता है ये टाइम फेल होने वाला है, अरे भाई साहब क्या बोले भाई साहब ये टाइम फेल होने वाला है, बहुत डेंजर वाला। ओ भाई ये टाइम फेल है, इतनी अच्छी खासी वैल्यू हम लोग मिली थी लेकिन यार टाइम फेल कर दिया हम लोगों ने, अरे बेटा जी। फ्रीज कर देंगे इसको हम लोग, टाइम फेल यार, क्या तगड़ा अटैक हुआ था, हमारे पास हीरोज भी नहीं थे उतने नेक्स्ट लेवल के,
लेवल 45 का लेवल 6 की रॉयल चैंपियन थी हमारे पास। टाइम फेल ट्रिपल था भाई ये, टाइम फेल हो गया ये भी। गाइस मजा आया यार ब्लिज़र्ड लावलून के साथ, वैल्यू देगी यार आप लोगों ने। अगर कॉम्पैक्ट बेस मिलता है तो भाई साहब यूज करो ब्लिज़र्ड लावलून, नेक्स्ट लेवल की वैल्यू आप लोग मिलेगी। जो अभी आप लोगों ने देखा हमारे टाइम फेल्स कैसे हुए सारे के सारे अटैक्स। तो बस गाइस आज के लिए फिलहाल इतना ही, लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, टाउन 14 आ रहा है बहुत जल्दी। बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।